हमारे देश में इस समय लाखों गाय बीमार पड़ रही हैं और दसियों हजारों गाय मर भी चुकी हैं। ये प्रकोप है लंपी स्किन डिजीज का, जिसे आप गाय का कोरोना भी कह सकते हैं। इस बीमारी से मरने वाले गाय बैलों के शवों को गहरा दफनाने की आवश्यकता है, पर अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जमीन ही खत्म हो गई है। एलएसजी का सबसे बड़ा लक्षण है शरीर पे ऐसी गांठें आ जाना जो कुछ समय में फट भी सकती हैं। संक्रमित गाय का दूध पीने पे उसके बछड़े को ये बीमारी हो सकती है। इंसानों पे इसका क्या प्रभाव है, इसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर भी पशुपालक ऐसी गाय का दूध तो नहीं ही पी रहे। इस बीमारी का कोई भी रामबाण इलाज नहीं है। इसका ट्रीटमेंट जो भी सिम्टम आ रहे हैं उन्हीं का उपचार करने पे केंद्रित है। ये इलाज लोग एलोपैथी से भी कर रहे हैं और देसी नुस्खों से भी, जैसे बुखार के लिए गिलोय के पत्ते, इन्फेक्शन के लिए लहसुन प्याज और शरीर की गांठें फट जाने पे या तो हल्दी लगाना या फिटकरी के पानी से नहलाना। क्योंकि ये बीमारी मच्छर मक्खी और चिचड़ों से फैलती है, तो साफ सफाई रखने से पशुओं में संक्रमण की संभावना घटाई जा सकती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए अब गोट पॉक्स की वैक्सीन लगाई जा रही है, पर जितना मुझे डॉक्टर से बात करके समझ में आया, अगर आपके आसपास वाले पशुओं में ये बीमारी आ चुकी है तो मुमकिन है कि ये इन्फेक्शन आपके पशुओं में भी मौजूद हो, बस सिम्टम नजर ना आ रहे हो, तो वैक्सीन लगवाने पे ये सिम्टम उभर के आ सकते हैं। तो एक तरफ तो सड़क पे बेसहारा गाय बैल बिना देखभाल के मर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि कई लोग हिम्मत हार के अपने गौवंश को सड़क पे छोड़ रहे हैं। और वो गौचर भूमि जो आज तक गाय बैलों को चराने के काम नहीं आई, शायद अब उनके मरने के बाद उनको दफनाने के काम आएगी। बेकाबू हो रही लंपी स्किन डिजीज पशुओं में तेजी से फैल रही है।